नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। इटली में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप, 6 लोगों की मौत, सैकड़ों फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। पीओके मामले में भारत के बाद अब अमेरिका ने की पाकिस्तान की आलोचना, मानवाधिकारों की स्थिति पर जताई चिंता, मसलों को शांतिपूर्ण तरीके और एक वैध राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए सुलझाने की दी नसीहत। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट का खुलासा, 2011 से पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा मदद में 73% की आई कमी, 5 साल में 1/4 हुई पाकिस्तान की सैन्य मदद। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल, जापान के एयर डिफेंस जोन में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने दी जानकारी। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अपील, निकाले गए भारतीय कामगार, 25 सितंबर तक लौट आएं वरना अपना खुद करें बंदोबस्त, सरकार उठाएगी सारा खर्च। आतंकी संगठन बोको हरम के चीफ के मारे जाने की खबर, हवाई हमले में हुई अबू बकर शेखू की मौत, नाइजीरियन वायुसेना ने किया दावा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।